नमस्कार, मैं हूं राजीव सूद और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पिछले 3 महीनों से आर्थिक मंदी झेल रहे टैक्सी ऑपरेटरों का गुस्सा उस समय आज सड़कों पर देखने को मिला जब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर परोर के समीप टैक्सी चालकों ने स्वयं नाका लगा दिया। नाका इस बात का क्योंकि वे पिछले 3 महीनों से आर्थिक मंदी झेल रहे थे लॉकडाउन की वजह से, और उनका कहना है कि अब जब अनलॉक हुआ है तो जो सवारियां हैं उनको वे व्हीकल जिवे वाहन नाजायज तौर पर ढो रहे हैं, जिन्होंने ना तो टैक्सी के रूप में अपने वाहनों को चलाने की अनुमति ली है और ना ही सरकार को टैक्स अदा करते हैं। तो आज कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के बैनर तले बहुत से टैक्सी चालक परोर स्थित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर इकट्ठा हुए और अपने सहयोग के लिए उन्होंने भवाना पुलिस को भी अपने इस अभियान में शामिल किया, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी भवाना पुलिस में भी कि कुछ अवैध रूप से वाहन चालक जो हैं वो अपने वाहनों का प्रयोग जो है वो टैक्सी के रूप में कर रहे हैं, सवारियां ढो रहे हैं और उनके पास ना तो इसकी अनुमति है और ना ही इसका इन्होंने टैक्सी परमिट अपने वाहनों का लिया है। तो आज हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे परोर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर, जहां पुलिस के सहयोग से टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने एक नाका लगाया था और उन तमाम वाहनों को चेक किया जा रहा है, रोका जा रहा है जो निजी नंबर के प्रयोग से टैक्सी के रूप में सवारियां ढो रहे हैं और उनका चलान भी आज हुआ है पुलिस के माध्यम से। तो हम जो कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के कुछ पदाधिकारी भी यहां मौजूद हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे और लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे परोर स्थित इस नाके की, जहां टैक्सी ऑपरेटरों का साफ कहना है कि लोग जो हैं वो अवैध रूप से टैक्सी चालन का कारोबार करके उनके धंधे पर लात मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कर्जा लेकर वाहन लिए थे, टैक्सी के रूप में प्रयोग कर रहे थे, लेकिन हालत ये है कि एक तो वैसे ही मंदी का दौर चला हुआ है और ऊपर से सस्ते दामों में ये दूसरे वाहन चालक जो हैं जिन्होंने टैक्सी के रूप में अपने वाहनों का प्रयोग कर रखा है अवैध रूप से, वे सस्ते में सवारियां ढो रहे हैं, इसलिए उनका काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट हो गया है। तो इस बात की हम आपको लाइव जानकारी देंगे परोर स्थित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर, जहां कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के बैनर तले टैक्सी ऑपरेटर जो है वो इकट्ठा हुए थे और आज उन्होंने वाहन रोककर पुलिस के हवाले भी किए जो अवैध रूप से टैक्सी के रूप में अपने वाहनों को चला रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर परोर के समीप, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर, जहां कांगड़ा टैक्सी यूनियन ने आज जो निजी नंबर की गाड़ियां हैं और टैक्सी के रूप में प्रयोग होती हैं उनके विरुद्ध एक मोर्चा खोल रखा है। तमाम टैक्सी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो यहां परोर में पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एक नाका लगाकर उन वाहनों को रोका जा रहा है जो निजी नंबर की गाड़ियों को टैक्सी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके साथ भवारना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
यातायात नियमों की अवहेलना पर तथा जो निजी नंबर की गाड़ियां टैक्सी के रूप में प्रयोग होती हैं उनके विरुद्ध एक पुलिस का अभियान और टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो है वो भी इनके साथ आज सहयोग कर रही है। परौर में एक नाका लगाकर उन तमाम टैक्सी वाहनों को रोका जा रहा है जिन्होंने नंबर तो प्राइवेट लिए हैं लेकिन यात्रियों को ढोने का काम जो है वो अपने वाहनों से कर रहे हैं। रुको 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 बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं अश्विनी कुमार बैजनाथ से बिनवा टैक्सी यूनियन पपरौड़ा से। आज हमने परौर में प्राइवेट गाड़ियों जो टैक्सी के रूप में इस्तेमाल होती हैं उनको पकड़ने के लिए नाका लगाया हुआ है। इन प्राइवेट गाड़ियों वालों ने हमें बहुत दुखी कर रखा है क्योंकि ये प्राइवेट गाड़ियाँ न टैक्स देती हैं न कुछ देती हैं और ये कम रेट पर चली हुई हैं। इस कारण हमें टैक्सी के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ना गाड़ियों के टैक्स भरे जा रहे हैं ना गाड़ियों की इंश्योरेंस वगैरह दी जा रही है। इन हम चाहते हैं सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी के रूप में इस्तेमाल होती हैं जल्द से जल्द ये पकड़ी जाएं, नहीं तो कल को ये जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं सब नीचे लग जाएंगे और ये सब टैक्सी गाड़ियां बिक जाएंगी और इनके परिवार जो भूखे मर जाएंगे। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द इन प्राइवेट गाड़ियों को पकड़ा जाए, नहीं तो कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाएगी टैक्सी वाले प्राइवेट गाड़ियों वालों के साथ कर देंगे, फिर सरकार हमारे ऊपर ब्लेम ना लगाएं। धन्यवाद। यहाँ कहाँ कहाँ के यूनियन के लोग आए हुए हैं? यहाँ पे जिला कांगड़ा के। क्या यूनियन का नाम क्या है आपकी? हमारे बिनवा टैक्सी यूनियन से आए हुए हम, प्रो टैक्सी यूनियन, मरंडा टैक्सी यूनियन, तरंग टैक्सी यूनियन, जिला टोटल जिला कांगड़ा टैक्सी यूनियन के सारे भाई जो टैक्सी ड्राइवर सब यहाँ परौर में आए हुए हैं। इससे पहले अपनी मांगों से संबंधित कोई ज्ञापन आपने प्रशासन को दिया? कहीं दिया ज्ञापन हमने सभी जगह एसडीएम ऑफिस में, हर आरटीओ में, डीसी साहब के बाद हर जगह हमने जो है अपना ज्ञापन सौंपा है। लेकिन 1100 नंबर पे भी हमने कई बार कॉल की लेकिन उसका कोई भी हमें सहायता नहीं मिली। हम जल्द से जल्द इन प्राइवेट गाड़ी को खत्म करना चाहते हैं, अगर ये खत्म नहीं हुई तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर सरकार हमारे ऊपर ब्लेम ना लगाएगा। क्या नाम आपका? सर मैं ओमी मेहरा। ओमी मेहरा जी, क्या करते हो आप? सर मैं एक टैक्सी चालक हूँ। तो जैसा कि ये हमारी आज जिला कांगड़ा टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी जो मनोनीत हैं वो सभी इकट्ठे हुए हैं, तो जैसे कि आज हमारे साथ जो सवारी उठा रहे थे जब हमें इन्हें मुहिम चलाई और सरकार के आगे हमने इनके ज्ञापन दिए जगह जगह कि इन्हें बंद कर दिया जाए क्योंकि अगर इस तरह चलता रहेगा भविष्य में तो हमें अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी या फिर ऐसी खड़ी रखनी पड़ेगी। तो मतलब समस्या ये है कि लोगों ने निजी नंबर लिए हुए हैं और टैक्सी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उससे आपत्ति है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही कहते हैं कि ये प्राइवेट वाले जैसे कि दिल्ली भी जा रहे हैं, चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, तो उन्हें किसी हिसाब से परमिशन वगैरह इनको बाहर जाने की मिल रही है। अगर हम परमिशन अप्लाई करते हैं तो हमें इतनी आसानी से परमिशन नहीं दी जाती है, और अगर परमिशन मिलती भी है तो उसके बाद हमें क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो क्या इनके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं प्राइवेट व्हीकल के लिए? आज आपको सड़कों पे खुद उतरना पड़ा? जी बिल्कुल। क्या आपने प्रशासन से, आरटीओ से कोई ऐसे पहले मांग नहीं की इनसे कि इन वाहनों को रोका जाए? नहीं सर, हमने तो जगह जगह ज्ञापन दिए, हमारी मुहिम तो लगभग कोई 5-6 सालों से चली जा रही है। हमने लिस्टें दे दे करके, आज भी देखो हमारे पास लिस्टें ही हैं, ये सारी लिस्टें हमने आरटीओ और प्लाइंग स्क्वायर के पास और जैसे डीसी को भी ज्ञापन हमने कई बार दे दिए हैं। कौन सी लिस्टें हैं? मतलब जो प्राइवेट व्हीकल यूज आर टैक्सी जो टैक्सी के रूम में प्रयोग है उसकी लिस्टें हेड कॉन्स्टेबल विकास अरोड़ा, ट्रैफिक इंचार्ज थाना भवारना। आज कुछ कंप्लेंट्स जो है प्राइवेट व्हीकल के द्वारा टैक्सी यूज करने के बारे में थी, जिस पर हमने 8 करोर में नाका लगाया हुआ था। जो अभी तक हमने 3 वाहनों के चलान जो है एमवीएक्स के तहत किए हुए हैं। धन्यवाद सर। टैक्सी यूनियन के आह्वान पर आप यहां आए आज? ट्रैफिक चेकिंग पे नाका लगाया हुआ था, जो ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ही टैक्सीज यूनियन की कंप्लेंट थी जिस बारे में आज यहाँ पे नाका लगाया। तो ऐसे वाहन भी कोई कब्जे में आए आपके जो मतलब प्राइवेट नंबर है और टैक्सी के रूम में इस्तेमाल हो रहे हैं? 3 वाहनों का अभी तक चलान हो चुके हैं। सर टैक्सी यूनियन की पहले भी कोई ऐसी शिकायतें आती थी?
या ये भी मतलब मोटर व्हीकल एक्ट में आता है या ऑफेंस है क्या? ये मोटर व्हीकल एक्ट में ही आता है, ये एक ऑफेंस है। तो कोई भी व्यक्ति जो है प्राइवेट व्हीकल में टैक्सी के प्रयोग में नहीं लगा, टैक्सी को प्रयोग में नहीं लगा लाया जाता।